फिल्म बहुत अच्छी लगी और इसमें अनुपम खेर जी की जो एक्टिंग है वो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने एक्टिंग। और जहाँ तक सोनिया जी का किरदार निभाया है वो बहुत ही अच्छा निभाया है बंदी ने। और फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी सर, मैं 10 में से 9 दूंगा इस फिल्म को। मूवी जो है मूवी तो ठीक है, बट इसमें जो किरदार है सोनिया गांधी का वो पूरा निगेटिव रोल है। और मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनुपम खेर जो अभी बने हुए हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा ही किरदार निभाया हुआ है। बट सोनिया गांधी मेरी वो बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब अच्छी नहीं है, वो सही नहीं है, और जो भी है पूरा निगेटिव रोल है। 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं उनको 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। मूवी ठीक है, अच्छी है। मतलब यहाँ पे जो हमारे मनमोहन सिंह जी का यहाँ पे रोल दिखाया गया है, अनुपम खेर ने किया है, बहुत अच्छा रोल निभाया है इसमें। मतलब कैसे मनमोहन सिंह को यूज किया गया है ये पिक्चर में, सोनिया गांधी जी कैसे यहाँ पे मतलब इनको यूज किया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, यही इस फिल्म में बताया गया हुआ है। 10 में से मैं इनको 6 मार्क्स दूंगा। पिक्चर अच्छी है, 6 मार्क्स। हाँ, बहुत बढ़िया मूवी है। और आज हम देख रहे हैं हर हफ्ते सबकी आत्मकथा के ऊपर ही फिल्में आती जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम नरेंद्र मोदी के ऊपर भी फिल्म आ रही, तो उनके लिए भी हम एक्साइटेड है देखने के लिए। काफ़ी अच्छी मूवी है ये। और अनुपम खेर जी की एक्टिंग तो पहले से अच्छी रही है और ये किरदार को भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और 10 में से 8 मार्क्स देना चाहूँगा मैं उन्हें, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ। इट्स अ वेरी गुड फिल्म, बट आई डोंट एग्री विद द टाइटल बिकॉज़ आई फील लाइक इट डिसक्रेडिट्स द प्राइम मिनिस्टर फॉर द हार्ड वर्क ही डिड, बट आई फील लाइक इट्स अ सेटअप है थोड़ा। सोनिया गांधी बारे कुछ बुरा नहीं कह सकते हैं, हमारे दिल में क्लोज है वो, पर प्राइम मिनिस्टर का अच्छा काम था, एक्टिंग भी अच्छी थी जी, पहली बार ही मैं उसका कैरेक्टर ही इस स्टाइल में देखा था। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 8। जो फैक्ट्स हैं वही बताए गए हैं, क्योंकि मेरे आदत है न्यूज़ देखने की और जो न्यूज़ में बताते थे वही इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। ऑन द होल इट इज़ अ गुड मूवी, आई लाइक इट। 10 में से 7। कैसी लगी मूवी आपको? Didn't like at all. Absolutely useless. अनुपम खेर की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Prime Minister never talked like that. This is not the way he has acted. Okay. But then his acting was certainly not good. बहुत बढ़िया। I liked Manmohan Singh. That is a very beautiful role and Akshay super hit. सोनिया की किरदार भी also अच्छी थी, मगर it was a short. बाकी इसको भी मजाक में उड़ाया गया है मनमोहन का, क्या कहना? बिल्कुल उड़ाया गया है। It is clearly shown that people and in PMO office they were controlling him. तो 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इसको? पिक्चर मूवी को आई विल गिव मोर देन 8। अगर मूवी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छी पिक्चर है, पर अगर प्रोपोगंडा पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्लियर है कि ये किसका प्रोपोगंडा चल रहा है, बीजेपी मैनिपुलेट करना चाहती है। इलेक्शन नज़दीक है, उसके कारण आप ऐसा मूवी रिलीज करोगे जिससे कि जनता मैनिपुलेट हो, तो इतना भी जनता स्टूपिड नहीं, यू शुड वर्क ऑन ग्राउंड, वो भी देखना चाहिए। और एक क्लियर फैमिली को टारगेट किया गया उस थ्रू आउट द मूवी, वो पूरे क्लियर है। मूवी पर्सपेक्टिव से एज एन एक्टर सब बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं, पर अगर ऐसा आप टारगेट किसी को कर रहे हैं फॉरेन इलेक्शन पर्सपेक्टिव तो इट्स एन रॉन्ग। इफ वी सी थ्रू द पीआर मशीनरी ऑफ बीजेपी वी नो दैट दिस इज अ प्रोपेगेंडा, इट्स अ क्लियर प्रोपेगेंडा। यूरी बाल ठाकरे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और वो भी जस्ट इलेक्शन से पहले, क्लियर है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। एज एन मूवी मतलब एक्टिंग पर्सपेक्टिव फॉर एक्टर्स इट्स 10 on 10, बट फॉर spreading targeting lies and for the time it is being released I don't want to give any review on that, that's like targeting the person, matlab a political party for that. We stand together koi bhi angsha samajh jayega movie dekh ke, pura propaganda hai, clear propaganda hai. Bharat ki janta ko aise manipulate nahi karna chahiye, ab time aa gaya hai, hum sab bade ho gaye, sab padhne likhne lag gaye hain, ab ye sab nahi chalega. 2014 mein theek aapne kar liya, but aapne bhi utna kuch kaam nahi kiya jitna karke dikha. Thank you.
मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत इम्प्रेस हो गई मैं, एक्टिंग वाइज है और मुझे सच में इतना सच्ची लगी कहानी, बहुत अच्छा लगा। आई एम जस्ट, आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में ही मैंने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स बिंगो। प्राइम मिनिस्टर का रोल जो रोल प्ले कर रहे अनुपम खेर जी, उनका रोल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छे से उन्होंने प्ले किया, मुझे कभी कभी तो लगा कि वो सच में मनमोहन सिंह है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत। एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर, उसके साथ अक्षय खन्ना का भी जो कैरेक्टर है मार्वलस, सुपर। सोनिया गांधी का रोल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सोनिया गांधी का रोल भी अच्छा लगा, राहुल गांधी का रोल भी अच्छा लगा, एवरीबडी इज वेरी गुड, दे आर सुपर। 10 में से मैं 9 दूंगी और लास्ट का गाना बहुत अच्छा था, लास्ट जो एंड टाइटल में जो जा रहा था बहुत अच्छा गाना था। ओके मैम, सर मूवी आपको कैसी लगी? मूवी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एक्चुअली, बिकॉज जो ट्रेलर से जैसी एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि यू नो काफ़ी इंटेंस फिल्म होगी, मूवी में हमें काफ़ी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वैसा इतना कुछ है नहीं, ना हम लोग कैरेक्टर से इतना रिलेट कर पाए, ना स्टोरी से रिलेट कर पाए, मूवी में कब क्या चल रहा था कुछ समझ नहीं आया, कभी कोई टॉपिक पे बात है, कभी कश्मीर इशू, कभी न्यूक्लियर इशू, एंड अनुपम खेर जी की भी एक्टिंग इतनी कुछ लगी नहीं जिस हिसाब से वो बोल रहे थे इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मूवी में ऐसा कुछ था नहीं इतना। सो आई, सोनिया गांधी का हार्डली कुछ रोल था, जैसे वो इतना बड़ा इशू बना रहे थे कि यू नो सोनिया गांधी इतना, मतलब उसने इतना उन्होंने इतना करा है इस इशू में, बट सोनिया गांधी का हार्डली कोई रोल था इन द फिल्म, हार्डली लाइक 10 या 15 मिनट का रोल होगा उनका टोटल मिला के। एंड ऑल्सो जो मूवी जो जैसे बनाई गई है, जो प्रोडक्शन क्वालिटी मूवी की, जो साउंड है, जो म्यूजिक है, उसमें कुछ देखने लायक है ही नहीं फिल्म में। 10 में से 3 डिसअपॉइंटमेंट थी, मतलब डायरेक्शन वॉज वेरी बैड, रोल अक्षय खन्ना ने मूवी बचाई है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी मूवी से, और उरी और इसे कॉम्पिटिशन में मेरे को लगता है उरी जीत जाएगा, बट एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी ने बुक नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा कांग्रेस के आउट सीक्रेट्स थोड़े से आउट होते हैं, बाकी तो इस फाइन रोल का बहुत इतना नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया किसी भी रोल में। और राहुल गांधी जिसने राहुल गांधी का रोल किया था, उसने प्रॉपर राहुल गांधी के जैसा राहुल गांधी बोलते हैं वैसा करा है, बाकी सोनिया गांधी का तो बिल्कुल ही था। एंड उन लोगों ने बहुत चीज़ें म्यूट करी है, क्योंकि शायद सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं अलाउ किया होगा, तो वो म्यूट बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो 4.5 स्टार्स दूंगा।